स्टेप्स आते हैं, दो रिएक्शंस आते हैं लाइट रिएक्शन के अंदर। एक आता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और दूसरा आता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। मींस यू हैव टू कीप इन माइंड द होल फोटोसिंथेसिस इज कंप्लीटेड इनटू टू रिएक्शंस। वन इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज साइक्लिक। अब उसको फोटोफॉस्फोराइलेशन ऐसे क्यों बोला जाता है? व्हाट इज मीनिंग फॉर फॉस्फोराइलेशन? सो दैट इज द प्रोसेस सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब फॉस्फोराइलेशन मीनिंग है फॉस्फोराइलेशन दैट इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ फॉस्फरस ऑन एडीपी for synthesis of ATP, that is phosphorylation, and this process is in the presence of light. That's why it is sir voice break hote hai sir. Break hota hai? Oh sir. Bye. Ek minute. Kripal sir. अभी ब्रेक हो रहा है? नहीं सर, ओके ठीक है ठीक है। तो देखो लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के दो रिएक्शन है, इसमें से एक को लाइट रिएक्शन बोला जाता है और दूसरे को डार्क रिएक्शन बोला जाता है। एक को लाइट रिएक्शन क्यों बोलते हैं? बिकॉज दैट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डिपेंडेंट ऑन लाइट। वो प्रोसेस पूरी लाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, इसीलिए उसको लाइट रिएक्शन और दैट इज आल्सो कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। वही प्रोसेस को फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोला जाता है। इसका मीनिंग है कि लाइट रिएक्शन नहीं लाइट के अंदर वो उसके लिए लाइट कंपल्सरी है। लाइट इज फॉर दैट इट इज कॉल्ड एज लाइट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन उसको ही बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटो का मीनिंग लाइट होता है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन कि जो लाइट के प्रेजेंस में होती है, इसे ये रिएक्शन को क्या बोला जाता है? दैट इज प्लस फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसका एक दूसरा नाम मैंने बताया, इट इज आल्सो कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोरिलेशन। यही सर वॉइस नहीं है तो सर हेलो सर सर वॉइस ब्रेक होते अजून। हेलो, हाँ सर वॉइस का काय प्रॉब्लेम आहे? इकडे माझ्याकडे रेंज भरपूर आहे सर। मुलांनी पण कमेंट केलं सर चॅट मध्ये। येतोय का आवाज सर?
सर आता होते येतोय मध्ये ओके कधी मध्ये मध्ये ब्रेक होऊन राहिला होता सर. नाही नाही पण तुमचं मला पूर्ण येतो ना, तुमचा ब्रेक होत नाहीये, माझा ब्रेक व्हायला लागला होता. हो सर मला तुमचं आता येतोय सर, आता येतोय आता येतोय ना. हो सर आता परफेक्ट येतोय सर. येत आहे ना. हां ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे. तो देखो फोटो फॉस्फोरायलेशन काय मीनिंग है कि दैट इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, जहां पर एटीपी मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस इनकी प्रोसेस हो रहती है. असल में फोटोफॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस में क्या हो जाता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है. तो ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के जो स्टेप्स हैं, वो दो स्टेप्स हैं, उसमें एक को बोला जाता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और दूसरे को बोला जाता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. अभी ये सामने जो डायग्राम है जिसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, दैट इज ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. कल मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस के अंदर दो टाइप के फोटोसिस्टम्स रहते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था. मीनिंग बताया थिंग बट अ कॉम्प्लेक्स मॉल्स, पेंट मॉल्स कॉम्प्लेक्स रहता है उसको फोटोसिस्टम बोलते हैं. का फोटो सिस्टम रहता है ऐसे मैंने बताया था. इज कॉल्ड एज फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज फोटो सिस्टम सेकेंड. एक को फोटो सिस्टम फर्स्ट बोलते हैं और दूसरे को फोटो सिस्टम सेकेंड बोलते हैं. फोटो सिस्टम फर्स्ट की आइडेंटिटी मैंने बताया था कि दैट इज P700 नैनोमीटर. उसका मीनिंग है कि वो फोटो सिस्टम का जो रिएक्शन सेंटर रहता है दैट इज नथिंग बट द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल दैट कैन एब्सॉर्ब द लाइट एनर्जी अप टू द वेवलेंथ ऑफ 700 नैनोमीटर. इसीलिए वो P7 से रिप्रेजेंट किया P700 नैनोमीटर से रिप्रेजेंट किया जाता है. दूसरा एक फोटो सिस्टम मैंने आपको बताया था दैट इज कॉल्ड एज PS2, दैट इज नथिंग बट द फोटो सिस्टम सेकेंड. और वो जो फोटो सिस्टम सेकेंड रहता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय P680 नैनोमीटर. उसका मीनिंग है कि इट्स रिएक्शन सेंटर दैट इज नथिंग बट द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल कैन एब्सॉर्ब द लाइट एनर्जी अप टू द 680 नैनोमीटर. इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज P680, दैट इज नथिंग बट द PS2. अभी मैं आपको एटीपी कैसे सिंथेसिस होता है, दैट इज नथिंग बट द करेंसी ऑफ सेल. ये एटीपी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं सेल के मेटाबॉलिज्म के लिए. जो एनर्जी लगती है वो एटीपी के फॉर्म में लगती है. और ये एटीपी कैसे प्रोड्यूस हो जाते हैं एंड हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड बाय नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. देखो फोटोफॉस्फोराइलेशन का मीनिंग तो मैंने बताया अभी यहाँ पर. देखो दिस इज फोटोफॉस्फोराइलेशन. फोटोफॉस्फोराइलेशन का मीनिंग अभी मैंने बताया कि दैट इज नथिंग बट द सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल. ये जो एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाते हैं उसको फोटोफॉस्फोराइलेशन बोला जाता है. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन साइक्लिक. नॉन साइक्लिक का मीनिंग है ये प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. वन एक्सेप्ट रहता है और एक डोनर रहता है. एक इलेक्ट्रॉन लेता है, दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को देता है, तीसरा चौथे, ऐसे करते 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 1 2 3 4 करके ऐसे इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे की तरफ जाता है. और ये सिस्टम के अंदर जहां से भी इलेक्ट्रॉन निकलता है, कल मैंने फोटो एक्साइटेशन आपको बताया था, जहां से भी इलेक्ट्रॉन निकलता है वो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम के वही रिएक्शन सेंटर की तरफ वापिस कभी नहीं आता. देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बेसिकली इलेक्ट्रॉन ये रिएक्शन सेंटर से निकलता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है,
फिर दूसरे रिएक्शन सेंटर के तरफ जाता है, खुद के रिएक्शन सेंटर के तरफ नहीं जाता है, फिर वहां से निकलता है यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, और यही आके वो इलेक्ट्रॉन रुक जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ साइकिल कंप्लीट नहीं कर देता है, इसीलिए ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। वही प्रोसेस को बोला जाता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऐसे बोला जाता है, क्योंकि हियर द इलेक्ट्रॉन इज नॉट गोइंग टू कंप्लीट अ साइकिल। ये प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां पर भी साइकिल कंप्लीट नहीं कर देता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसलिए उसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऐसे बोलते हैं। अभी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ते समय सबसे पहले आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि इन केस ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोथ द फोटो सिस्टम्स आर इन्वॉल्व। देखो अभी मैंने जहां पर मैंने स्पॉटलाइट दिखाई है वो है PS2 है। PS2 की आइडेंटिटी मैंने कल बता चुका हूं आपको, PS2 इज रिप्रेजेंटेड बाय P680 नैनोमीटर। वो P680 नैनोमीटर से वो रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये PS2 है एंड दिस इज वन इज कॉल्ड एज PS1। ये PS1 है, PS1 P700 नैनोमीटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फॉस्फोराइलेशन फोटोसिस्टम्स आर इन्वॉल्व, दोनों फोटोसिस्टम इन्वॉल्व हो जाते हैं, PS2 भी इन्वॉल्व होता है और PS1 भी इन्वॉल्व होता है, मगर पहले PS2 रहता है और बाद में PS1 रहता है। अब उसको 1 और 2 जो नेम्स दिए गए डिस्कवरी, पहले ये फोटो सिस्टम की डिस्कवरी हो गई इसीलिए इसको 1 बोला गया है, बाद में इसकी डिस्कवरी हो गई इसीलिए उसको 2 बोला गया है। So these names are according to their discovery. ये जो names हैं उनके discovery के हिसाब से वो names दिए गए हैं। That one is called as PS1 and another one is called as PS. एक को PS1 बोलते हैं और दूसरे को PS2 बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये process कैसे हो जाती है। तो देखो ये जो spot मैंने दिखाया है, that is the chlorophyll molecules. वहाँ पर chlorophyll के molecules रहते हैं और chlorophyll molecule के अंदर यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल रहता है, दैट इज द रिएक्शन सेंटर। ये रिएक्शन सेंटर रहता है और रिएक्शन सेंटर किसे बोलना है, मैंने कल ही बताया था, दैट रिएक्शन सेंटर इज नथिंग बट द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ऐसे दो टाइप के मॉलिक्यूल मैंने कल ही बताया था आपको। तो उसमें रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए रहता है। व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिएक्शन सेंटर, बिकॉज दैट इज रेस्पॉन्सिबल to absorb the light energy and convert it into chemical energy. वो light energy को absorb करके उसको chemical energy में convert करवाता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, that is nothing but the reaction, इसलिए उसको reactor से बोलते हैं। तो देखो रिएक्शन सेंटर के अंदर क्या हो जाता है, प्रोसेस कहाँ से शुरू होती है, PS2 से शुरू होती है। तो ये PS2 फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सॉर्ब द लाइट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। देखो ये फोटॉन के फॉर्म में लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करवा लेता है। जैसे ही फोटॉन के फॉर्म में लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेता है तो ये रिएक्शन सेंटर का क्या होता है, देयर इज द फोटो ऑक्सीडेशन। वहां पर उसका फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है। व्हाट इज द मीनिंग फॉर फोटो ऑक्सीडेशन, दैट इज नथिंग बट द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट रहता है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन किसके तरफ जाते हैं, देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर आता है। अब इसको ये एरो ऊपर क्यों दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन इमिट होता है तो दैट इलेक्ट्रॉन इज वेरी एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन रहता है, उसमें बहुत सारी एनर्जी रहती है, इसीलिए उसको ऐसे असेंडिंग डायरेक्शन में दिखाया जाता है। इलेक्ट्रोफिल ए का ऑपरेशन हो गया, ऑक्सीडेशन एंड लॉस द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो ये इलेक्ट्रॉन को किसने एक्सेप्ट किया, तो दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी एक्सेप्टर।
देखो उसको प्राइमरी एक्सेप्टर बोला गया है. बट व्हाट हैपेंड ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन लॉस होने के वजह से इसके ऊपर क्या हो जाता है, इट गेट द पॉजिटिव चार्ज, इसका आयोनाइजेशन हो जाता है. आयोनाइजेशन का मीनिंग क्या है, दैट इज द प्रोसेस इन विच द रिएक्शन सेंटर लूज इट्स एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में वो एनर्जी को लॉस करता है. बेसिकली इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस होने की वजह से क्या होता है, रिएक्शन सेंटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, उसको आयोनाइज्ड स्टेट बोलते हैं. जैसे PS2 का आयोनाइजेशन हो गया ड्यू टू द लाइट एनर्जी, वैसे इधर भी देखो ये PS1 है, इस इधर भी लाइट अवेलेबल है, इधर भी फोटॉन्स आ जाते हैं. जैसे ही फोटॉन्स आ जाते हैं, दिस PS1 का रिएक्शन सेंटर ऑक्सीडाइज्ड, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाता है. बोले तो इसका मीनिंग है कि इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, और वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन रहता है, और वो इलेक्ट्रॉन किसके तरफ चला जाता है, तो दैट इलेक्ट्रॉन गोज टू द प्राइमरी एक्सेप्टर. यानी इसका भी आयोनाइजेशन हो गया, इसका भी आयोनाइजेशन हो गया, इसके भी ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके भी ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया. इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये प्राइमरी एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट कर दिया, इधर का जो इलेक्ट्रॉन है ये प्राइमरी एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट कर दिया. इसका मीनिंग है दोनों रिएक्शन सेंटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया. क्यों पॉजिटिव दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, तो दोनों रिएक्शन सेंटर, दो रिएक्शन सेंटर, दैट इज ऑफ PS2 एज वेल एज PS1. PS2 का भी रिएक्शन सेंटर और PS1 का भी रिएक्शन सेंटर, दैट इज नथिंग बट द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, बोथ आर इन आयोनाइज्ड स्टेट ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट. उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन लॉस होने की वजह से दोनों कौन से स्टेट में है, तो बोथ आर प्रेजेंट इन आयोनाइज्ड स्टेट. तो देखो इधर भी एनर्जी आ गई, प्राइमरी एक्सेप्टर आ गया, इधर प्राइमरी एक्सेप्टर आ गया, ठीक है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए. अब ये प्राइमरी एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, देखो फ्रॉम दिस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन दिस इलेक्ट्रॉन्स दे आर ट्रांसफर टू द PQ. ये देखो इधर ए PQ नाम का एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आता है. PQ दैट इज नथिंग बट द प्लास्टोक्विनीन, उसको शॉर्ट फॉर्म में PQ बोला जाता है, उसका लॉन्ग फॉर्म प्लास्टोक्विनीन ऐसे है. तो देखो ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन जब PQ के तरफ चला जाता है तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट देयर, कुछ थोड़े अमाउंट की एनर्जी उसमें से क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है. और एनर्जी लॉस होने की वजह से उसको डिसेंडिंग डायरेक्शन में ऐसे दिखाया जाता है, ये डायग्राम को अभी ऐसे डिसेंडिंग डायरेक्शन में दिखाया जाता है. साइटोक्रोम्स आर नथिंग बट द पिगमेंट्स, साइटोक्रोम्स के पिगमेंट्स रहते हैं, दे आर द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आते हैं. तो असल में वहां पर दो साइटोक्रोम रहते हैं, यहाँ पर एक सिर्फ साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से बताया गया है, बट दैट साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इज कंसिस्ट ऑफ साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F. इसमें एक साइटोक्रोम B6 रहता है और एक साइटोक्रोम F रहता है. तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में आता है तो वहां पर भी सम स्पेशल अमाउंट ऑफ एनर्जी गेट रिलीज्ड, उधर भी थोड़ी अमाउंट की एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, बट दैट एनर्जी इज सफिशियंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ हो जाता है. तो इधर A+ फास्फोरस कंपोनेंट यहाँ पर रहते हैं, ADP के ऊपर फास्फोरस ऐड करने के लिए एनर्जी लगती है, और ये एनर्जी कौन देता है, वो इलेक्ट्रॉन देता है. इधर से जो इलेक्ट्रॉन आता है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक जो आता है ना, वो इलेक्ट्रॉन उसको एनर्जी दे देता है, एंड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP. तो यू हैव टू कीप इन माइंड एट द साइट ऑफ साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स देयर इज सिंथेसिस ऑफ 1 ATP मॉलिक्यूल. तो वो ATP सिंथेसिस करने के लिए
वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूटिलाइज की जाती है। देखो असल में इलेक्ट्रॉन यहां से निकला था, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, अब यहां आ गया, अब डिसेंडिंग क्यों जा रहा है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हर एक स्टेप में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इमिट हो रही है एंड दैट इमिटेड एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ व्हाट मॉलिक्यूल, एटीपी मॉलिक्यूल। तो फोटोसिंथेसिस का मेन सिग्निफिकेंस ये है, लाइट एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो यहां पर ही लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करके जा रहा है। अब देखो इलेक्ट्रॉन किसके पास है, इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास है। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट एक्सेप्टर के तरफ आता है एंड द नेम ऑफ द नेक्स्ट एक्सेप्टर इज कॉल्ड एज प्लास्टोसाइनिन, शॉर्ट फॉर्म में उसको पीसीएसए बोलते हैं। अभी मैंने जहां पर स्पॉटलाइट दिखाई है वहां पर पीसीएसए लेबल किया गया है। व्हाट इज द मीनिंग फॉर पीसी, पीसी दैट इज नथिंग बट द प्लास्टोसाइनिन, उसको प्लास्टोसाइनिन ऐसे बोला जाता है। और प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन गोस ट्रांसफर्ड टू द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम फर्स्ट। देखो फोटोसिस्टम फर्स्ट के तरफ जाता है, मगर मैं पहले ही बता चुका था कि फोटोसिस्टम फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर का ऑलरेडी आयोनाइजेशन हो गया है, इलेक्ट्रॉन चला गया है वहां से, मगर यहां से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन ऐसे करते करते इसको मिल जाता है। तो पीएस वन क्या होता है, उसका रिएक्शन सेंटर अब न्यूट्रल हो जाता है। उसका मीनिंग है उसका एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया था, इधर से एक इलेक्ट्रॉन उसको गेन होता है। पहले लॉस हो गया, गेन हो गया, फिर लॉस के वजह से क्या हो गया था, पॉजिटिव चार्ज आ गया हो गया था, अब गेन की वजह से क्या हो जाता है इसके ऊपर, और इसके ऊपर अभी दिख रहा है ना। हाँ तो देखो इसका पहले लॉस हो गया था, अब इसका क्या हो गया, इसका गेन हो गया। लॉस से पॉजिटिव चार्ज आ गया, अभी इलेक्ट्रॉन मिल गया तो पॉजिटिव चार्ज निकल जाता है एंड इट बिकम्स न्यूट्रल, ये अभी ये न्यूट्रल हो जाता है। क्योंकि इसको कौन बताऊं मैं, एफडी को दिया, फेराडॉक्सिन नाम का कंपाउंड था, वो फेराडॉक्सिन को दे दिया और फेराडॉक्सिन ने वो इलेक्ट्रॉन किसको दिया, दैट फेराडॉक्सिन ट्रांसफर दैट इलेक्ट्रॉन टू द एनएडीपी, वो एनएडीपी को देता है। व्हाट इज द मीनिंग फॉर एनएडीपी, दैट एनएडीपी दैट इज नथिंग बट द निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट से बोला जाता है, वो NADP को इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब NADP से क्या हो जाता है, इधर ड्यू टू द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन NADP का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। इधर देखो NADP इधर है, इधर एंजाइम रहता है, द नेम ऑफ दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज NADP रिडक्टेज, ये NADP रिडक्टेज नाम का एंजाइम रहता है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम NADP रिडक्टेज इधर से जो इलेक्ट्रॉन आता है, देखो इधर से प्राइमरी एक्सेप्टर से वो फेराडॉक्सिन की तरफ आ गया, फेराडॉक्सिन से वो इलेक्ट्रॉन किसको मिलता है, दैट इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल टू द एनएडीपी। एनएडीपी का लॉन्ग फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ऐसे उसको एनएडीपी बोला जाता है। अभी एनएडीपी का गेन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से उसके ऊपर, इधर देखो ये दो इलेक्ट्रॉन उसके तरफ जा रहे हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन उसको अवेलेबल होने के वजह से चार्ज क्या हो जाता है, एनएडीपी गेट यूज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे इलेक्ट्रॉन फाइनली कहां पर रुका है, एनएडीपी के पास रुका है, इसीलिए ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक बोले तो यहां पर इलेक्ट्रॉन साइकिल कंप्लीट करता ही नहीं है, इसीलिए ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक। एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन कहां पर हो गया है, तो देयर इज द सिंथेसिस ऑफ वन एटीपी मॉलिक्यूल हियर। मगर मेरा क्वेश्चन ऐसा था अभी कि देखो पहले इसका आयोनाइजेशन हो गया, फिर इसका भी आयोनाइजेशन हो गया, मगर
ये पीएस वन को यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे करते करते आ गए और लॉस को उसको फिलअप किया गया, उसको गेन भी हो गया. बट व्हाट अबाउट दिस रिएक्शन सेंटर, ये पीएस टू का लॉस जो है वो फिलअप करके कौन देगा? अभी उसके तो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, मगर उसको अगर न्यूट्रल बनाना है तो वो इलेक्ट्रॉन कौन देगा? तो वो जो इलेक्ट्रॉन देता है अभी देखो इधर है, दैट इज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O. अभी फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है दैट इज द वाटर. ये वाटर का रोल यही रहता है. H2O क्या हो जाता है यहाँ पर, H2O गेट स्प्लिट हियर, H2O स्प्लिट होता है. H2O किस में स्प्लिट होता है, देखो OH माइनस एंड H+, ऐसे H2O क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है. तो जैसे ही H2O स्प्लिट हो जाता है, इधर देखो H2O स्प्लिट हो जाता है, ये इधर इलेक्ट्रॉन्स एट दिस साइड इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो ये साइड इलेक्ट्रॉन और ये साइड प्रोटॉन्स, ऐसे ये H2 का ये जो हाइड्रोजन है H2 यानी टू इलेक्ट्रॉन्स एंड टू प्रोटॉन्स, ऐसे वो स्प्लिट हो जाता है. एंड ये जो ऑक्सीजन है H2O, ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन बाहर निकलता है. जब हम बोलते हैं ना कि प्लांट एमिट द ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दिस ऑक्सीजन इज फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. ये जो ऑक्सीजन रहता है वो कहाँ से आता है, तो दैट इज ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. ये वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होने की वजह से ऑक्सीजन वहां से आता है. ऑक्सीजन तो निकल गया, अब देखो ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया तो हाइड्रोजन स्प्लिट हो गया. हाइड्रोजन कैसे स्प्लिट हो गया, H2 है तो टू इलेक्ट्रॉन एंड टू प्रोटॉन्स बन गए. तो अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं सीधे उसको दिए जाते हैं. अब इसका जो लॉस हो गया था, इसके इलेक्ट्रॉन पहले निकल गए थे, ये इलेक्ट्रॉन वाटर से आते हैं और ये इसका लॉस फिलअप करवा देते हैं. फिर ये भी क्या हो जाता है, इसके ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आ गया, तो सॉरी पॉजिटिव चार्ज आ गया था, तब अभी ये क्या हो जाता है, ये भी न्यूट्रल हो जाता है. अब देखो लाइट के वजह से, ये लाइट के वजह से यहां से कितने भी इलेक्ट्रॉन निकलने दो, यहां से H2 उसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते रहता है. नेचुरली वाटर इज अबंडेंट, पानी बहुत रहता है. जब भी प्लांट